इंदौर भोपाल हाईवे पर कांग्रेसियों ने कृषि मंत्री कमल पटेल का घेराव किया तो पटेल ने वहीं चौपाल लगा दी और कांग्रेस से जुड़े लोगों को नए कृषि कानून के फायदे समझाए। इसके बाद कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में आ गए और उन्हें जाने दिया। इंदौर से भोपाल आ रहे किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल का भोपाल हाईवे के जावर रोड जोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। कृषि मंत्री इस घेराव के चलते यहां रुके और किसानों की चौपाल लगाकर कृषि कानून के फायदे बताने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह जत्था कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन के लिए भोपाल जा रहा था। घेराव के चौपाल में बदल जाने पर प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को लेकर अपनी जिज्ञासाओं और आपत्तियों को सवाल में खड़ा कर दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विस्तार से उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि कानून से किसान को वह फायदा भी मिलेगा जो अब तक केवल व्यापारी उठाते रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हाईवे के रेस्टोरेंट पर चिप्स और इसी तरह के अन्य उत्पादों के पाउच लेकर उनकी कीमतों की कृषि उत्पादों के मूल्य से तुलना करते हुए बताया कि किसान फसल उगाने के साथ इस तरह के उत्पाद स्वयं तैयार कर एमआरपी पर बेच सकता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अब तक किसानों को यह सुविधा नहीं थी, इसीलिए वह केवल फसल उगाने और बेच देने तक सीमित थे। किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए खेती लाभ का धंधा नहीं बन पा रही थी। तीन नए कृषि कानूनों और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से किसानों को अब खेती के साथ व्यापार करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और देश का किसान समृद्ध होगा। भोपाल में कांग्रेस पार्टी का नए कृषि कानून को लेकर राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने तर्कों से निरुत्तर कर दिया। घेराव करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता किसान नेता कमल पटेल द्वारा बताए गए तर्कों पर सहमति जताते हुए नजर आए। एमआरपी का झगड़ा है। ₹200 में भी बेचेगा और हमारे गरीब लोगों को अपन जो खरीदा ना सस्ता मिलेगा और जो बिचौलिए कमाते उद्योगपति कमाते किसान कमाएंगे। इसमें क्या बुराई है? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।